हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड लाइन स्टॉक्स। देखिए, पिछले हफ्ते की जो शार्प गिरावट आई थी मार्केट्स के अंदर, उसको आज पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करते हुए वापस से ऊपर की तरफ रिवर्सल होते हुए देखा है हमने। हर सेक्टर के अंदर आपको एक खरीदारी का माहौल दिखाई दिया और काफी जम के खरीदारी आज मार्केट्स के ऊपर आती हुई दिखाई दी है। आज इस वीडियो में IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक और जो बड़ी नई खबर आई है उसको मैं यहां पर आपके सामने लेके आया हूं उस वीडियो के अंदर। साथ ही में ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के नजदीक है, कैसे है वो भी आपको चार्ट्स पर समझाऊंगा। और यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, IOC के अंदर कोई भी ऐसा अपडेट अभी तक नहीं आया है रिसेंट में जो मैंने यहां पर आपको नहीं बताया हो। रेगुलर हर हफ्ते में IOC के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि IOC की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं बजट के बाद में, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर अभी ये 100 रुपए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है तो ये बहुत अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। यहां से काफी आगे तक के टारगेट इसके अंदर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चीज मैंने देखिए वीडियोस के अंदर आपको टाइम टू टाइम बताया भी है। इसी सीरीज के अंदर एक नया जो अभी यहां पर रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था 26 तारीख को, लास्ट वीक का मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी यहां पर एक काफी अच्छा इंपैक्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको यहां पर एक्युमुलेट करना चाहिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। क्यों करना चाहिए ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर। और साथ ही में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है जो एक ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद में। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कुछ रिविजन करना चाहूंगा। आप चाहें तो सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर वहां से भी बिल्कुल डिटेल में इनको देख सकते हैं। आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि IOC के अंदर बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है। फिर भी आपको बता देता हूं, देखिए पाइपलाइन मोनेटाइज करने का प्लान ये लोग लेके आए। मथुरा वाली जो पाइपलाइन है, जो गुजरात से मथुरा आ रही है लाइन, उसका कुछ हिस्सा इन्होंने मोनेटाइज करने की बात कही जिससे इनको पैसे मिले। उसके बाद में देखिए डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया जिसके अंदर 75% का डिविडेंड, फेस वैल्यू 10 रुपए के ऊपर इन्होंने दिया। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सर ये इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों गिर रहा है, तब मैंने वहां पर लोगों को यही बोला कि एक साइक्लिकल फॉल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर गिरावट की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो जाए। वो भी देखिए मैं भी चार्ट्स के ऊपर आपको दिखा दूंगा किस तरीके से साइक्लिकली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में एक बड़ा जो यहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया, अभी लास्ट टू लास्ट वीक के अंदर ही मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर एविएशन गैसोलीन का प्रोडक्शन करने वाली पहली कंपनी IOC बनने जा रही है। यानी कि एक ऐसा फ्यूल जो प्योरली भारत के अंदर इंपोर्ट होता है, यहां पर कोई भी रिफाइनरी उसको जनरेट मैन्युफैक्चर नहीं करती। अब ये उस फ्यूल को जिसका नाम है एवगैस, यानी कि एविएशन गैसोलीन, जो ट्रेनिंग पायलट्स के लिए यूज होता है, यानी कि ट्रेनिंग में जो फ्यूल का यूज किया जाता है सिंगल टर्बाइन इंजन में, उस फ्यूल को भी यहां पर अब मैन्युफैक्चर करने जा रही है और पहली देश की ऐसी कंपनी बन जाएगी IOC। अब देखिए यहां पर क्या है, अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है वो है इसका वो पैटर्न जो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा। बिफोर दैट देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन कंपनी ने दिया है अभी आगे, जिसकी वजह से देखिए काफी प्रोग्रेस के चांस आने वाले टाइम में आपको आते हुए मिल सकते हैं। तो देखिए ये कम्युनिकेशन है 26 फरवरी 2021 की, जो IOC के द्वारा की गई थी फ्राइडे को, लास्ट वीक में। और इसके अंदर क्या लिखा है कि इट इज हियर बाय नोटिफाइड द बोर्ड ऑफ इंडियन ऑयल एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 26 फरवरी 2021 हैज accorded its approval for capital investment for capacity expansion of Panipat refinery. Panipat refinery जो है उसके अंदर expansion करने जा रहे हैं, capacity expansion उसके अंदर होने जा रहा है और उसके लिए capital investment company करने जा रही है। और छोटा मोटा investment नहीं है, ये आपको दिखाता हूं कितना बड़ा investment होने जा रहा है। 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम अभी की existing capacity है, उसको बढ़ाकर 25 मिलियन टन पर एनम तक की इसकी कैपेसिटी का एक्सपेंशन होने जा रहा है मथुरा रिफाइनरी का। अलोंग विद इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन यूनिट एंड कैटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 32,946 करोड़। तो यहां पर देखिए एक्सपेंशन के साथ में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट एंड कैटेलिटिक डीवैक्सिंग यूनिट का भी यहां पर इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, जिसकी जो देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय सितंबर 2024 तक ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा, यानी कि चालू अवस्था में लाया जाएगा। तो इतना बड़ा यहां पर इन्वेस्टमेंट IOC के द्वारा किया जा रहा है। ये तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा,
डोमेस्टिक एनर्जी की डिमांड जो है उसको मीट आउट करने में, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी, उसको मीट आउट करने में यहां पर ये बहुत बड़ी मदद करेगा। साथ ही में देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो रिस्क कम कर देगा इस कन्वेंशनल फ्यूल बिजनेस के ऊपर से। IOC की देखिए आज की इसके स्टैट्स देखते हैं, 1 मार्च 2021 के नया महीना शुरू हो गया है और देखिए 2.86 लगभग 3% की तेजी के साथ में आज इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है 101 रुपए के आसपास, 112 रुपए 90 पैसे का 52 वीक हाई है 2 मार्च 2020 का, यानी कि आज से ठीक 365 दिन पहले इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था। तो अब ये देखना है क्या ये इस महीने नया 52 वीक हाई लगाएगा या फिर नहीं। ग्रोथ के हिसाब से तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। 71 रुपए 15 पैसे पर 18 मई 2020 का इसका 52 वीक लो है और आज की अगर आप डिलीवरी पोजीशन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 24.25% के आसपास आपको डिलीवरी पोजीशन आती हुई दिखाई दे जाएंगी। नाउ अब देखिए ये मैं लगा रहा हूं डेली चार्ट्स आईओसी के अंदर और यहां पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए बेसिकली मैंने हमेशा आपको ये चीज कही है कि जो गिरावट आ रही है, काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास में कि जो गिरावट है साइक्लिकल गिरावट है, इसको अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम स्टॉक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और एक रेंज के अंदर बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज देखने में कि ये 100 से 90, 90 से फिर वापस से 110 इस टाइप से होते हुए चीजें हो रही हैं। तो ये एक साइक्लिकल गिरावट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है वो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। कैसे, आप ये देखिए ऊपर ये बार बार एक लेवल से टकरा के नीचे की तरफ आ जाता है और वो लेवल है लगभग 104 रुपए के आसपास। तो 104 रुपए पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां पर आते हुए दिखाई देगा। तो ये जो देखिए स्विंग आ रहा है पूरा, इस स्विंग का ये जो टॉप है यानी कि स्विंग हाई जो है ये 104 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी कि एक लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये रेजिस्टेंस की लाइन यहां पर आपको क्लियर दिखाई देगी। सेकेंडली जो इसके स्विंग लोज हैं, इस पूरे स्विंग के जो स्विंग लोज हैं ये बार बार एक सपोर्ट से टकरा के वापस से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए देखिए ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इसके जो स्विंग लोज हैं वो बार बार ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ये जो आगे वेज फॉर्मेशन हो रही है, जब भी इसके ऊपर यानी कि ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर ये क्रॉस करके बाहर की तरफ निकलेगा तब इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। यानी कि 104 रुपए के लेवल्स अगर ये डिसाइसिवली ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तब यहां पर आपको काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसके टारगेट जो होते हैं, आपको पता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो टारगेट होता है वो सबसे थिक पार्ट जो है ट्रायंगल का उसको माना जाता है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो वो आपके हो जाता है टारगेट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखिएगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है, यानी कि यहां से जब भी ये बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद ये वापस से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए एटलीस्ट 2 से 3 कंफर्मेशन और आने जरूरी है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की एक और कंडीशन है जो मैं आपके सामने यहां पर बताने जा रहा हूं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बाद में जो ट्रेंड फॉलो होता है जनरली वो वही ट्रेंड होता है जो इस ट्रायंगल के बनने से पहले चल रहा था। आप समझ रहे हैं, इस ट्रायंगल के बनने से पहले से स्टॉक के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो भी एक अप ट्रेंड की तरफ ही जाते हुए इसको लेके जाएगा। यानी कि देखिए इसके अंदर आने वाले टाइम में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो एक अप ट्रेंड की है, लेकिन अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट आए तो ध्यान क्या देना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम्स एवरेज से इंक्रीज हो जाने चाहिए। ये जो वॉल्यूम्स है यहां पर जब भी ब्रेकआउट है, जिस भी पॉइंट पे ब्रेकआउट है, अगर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होंगे, वॉल्यूम का बार सबसे बड़ा होगा उस दिन, तो अब आप यहां पर काफी हद तक कन्विक्शन से कह सकते हैं कि हाँ अब ये इसको खरीदने का पॉइंट है, इसके अंदर एंट्री लेने का, फ्रेश एंट्री लेने का पॉइंट है। और टारगेट्स इसके अंदर यहां से इस पॉइंट से लेके इतना जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस के टारगेट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं 104 रुपए के अबव ऊपर। तो वॉल्यूम्स के साथ में कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप याद रखिएगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की डेफिनेशन के अंदर भी ये चीजें आती हैं। दूसरा RSI की वैल्यू, यानी कि RSI से भी आपको कंपेयर करना है। पहला आपको देखिए ब्रेकआउट आते वक्त वॉल्यूम चेक करने है, दूसरा आपको ये चेक करना है कि क्या RSI भी इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जिस तरीके से
आरएसआई 57 पॉइंट्स के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर अभी यहां पर फ्लोट होते हुए नजर आ रहा है, एंड एज पर द डायरेक्शन ये अपने ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरे पूरे सिग्नल्स हैं कि यहां से मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है आने वाले टाइम में और ये प्राइस और ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो ये ऐसा ही कुछ ना कुछ फॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए, यानी कि इसका आरएसआई 50 पॉइंट से ऊपर हो एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ आरएसआई वो भी देखिए ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तब यहां पर आप काफी अच्छे कंफर्मेशंस, काफी अच्छे कन्विक्शन इसके अंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको यहां पे काफी अच्छे टेक्निकल बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने देखिए टारगेट्स ऑलरेडी आपको इस स्टॉक के अंदर बता रखे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, यहाँ पे वो चीज वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकली मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसका जो ब्रेकआउट है वो काफी नजदीक है और मार्च मंथ के अंदर ही आपको इसके अंदर एक कोई ना कोई बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल सकता है। आपको अगर इस स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनानी है इस ब्रेकआउट के लिए तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है, यानी कि 104 रुपए से अबव जब भी ब्रेकआउट होता है आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको 100 रुपए का यहां पर लगाना है स्टॉप लॉस। ध्यान रखिएगा 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको टारगेट करेंगे कम से कम ये मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। देखिए 104 रुपए से और यहां पर जो मेरे पास लेवल्स आ रहे हैं इसको मैं 85 मान लेता हूं राउंड ऑफ में, तो ये 20 रुपए के लेवल्स हैं, यानी कि 125 रुपए के टारगेट आपके होने चाहिए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, फ्रेश एंट्री बनेगी 105 रुपए पे, यानी कि 104 जब क्रॉस कर जाएगा एंड क्लोजिंग अगर ये दे देता है, वो कैंडल क्लोजिंग इस रेड लाइन के ऊपर दे देती है, तब आपको एंट्री करनी है वॉल्यूम्स एंड आरएसआई चेक करके। तो ये मेरा व्यू है आईओसी के ऊपर, इसी को आप रडार पे रखिए, चेक करते रहिए और अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ट्रेंडलाइन स्टॉक्स को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं और यहां पर कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपका हो सके और जब भी लॉस के चांसेस बने तो वो मिनिमाइज मैं करवा पाऊं आप लोगों के लिए। तो मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।